यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित हो चुका है और अक्षय शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर टॉप किया है। हमारे साथ हैं अक्षय शर्मा जो SRS इंटर स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो सफलता बेटा आपको मिली है इसमें किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? सर, अपने स्कूल का श्रेय देना चाहूँगा, SRS कॉलेज का, और अपने माता पिता और सभी स्कूल के स्टाफ का। तो ये बेटा तैयारी कितनी थी आपने, तैयारी कितने घंटे आप तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? सर, पढ़ाई तो 5 से 6 घंटे ही पढ़ी है, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ाई करी है। ये नहीं है कुछ किसी को कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट वेटेज दे रहा हूँ किसी को, किसी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को समान उससे लेके पढ़ के तैयारी करी है। सर, पिताजी क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं आपकी? सर, मेरी माताजी गृहिणी है और मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, उनका टेंट का बिजनेस है। तो ये बताइए कि जिस तरह से जैसे आपकी तैयारी थी, तो अब आगे आप क्या बनना चाहेंगे, मतलब इसके बाद जो है आगे बनकर? सर, मैं 12th PCM से करके IIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। तो किसी आप में ट्यूशन या कोई कोचिंग आपने लगाई हुई थी? नहीं सर, कोचिंग कोई नहीं लगाई हुई। कितने प्रतिशत आपने किस किस सब्जेक्ट में नंबर आए जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, मेरे मैथ्स में 96 मार्क्स हैं और साइंस में भी 96 हैं, SST में 91 है, हिंदी में 92 और इंग्लिश में 94 हैं और ड्राइंग में 88 मार्क्स हैं। जब आप परीक्षा दे के आए वो क्षण और एक अब का क्षण जो था, पल जो थे, जब आप टॉप किया जनपद में, तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लग रहा था उस समय जब आप रिजल्ट अपना देख रहे थे? सर, सबसे पहले तो बहुत ही घबराए हुए थे कि लगा नहीं था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर सर जब आए तो काफ़ी खुशी हुई देख के मार्क्स को। बस इसमें और किन टीचरों का आप जो है योगदान मानते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत आपके साथ की है? सर, सभी टीचरों को, ऐसे किसी के नहीं, सबने समान मेहनत की है, सब कहीं मैं समान धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि टॉपर हैं, उनकी मदर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये कितनी पढ़ाई घर पर करते थे, कितने समय मतलब पढ़ते थे ये लोग जो है आपके बेटे? 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था मेरा बेटा। क्या आप लोग पढ़ने के लिए बोलते थे या स्वयं वो पढ़ते थे? मैं खुद पढ़ता था, अपना सुबह मॉर्निंग में उठ के स्टडी करती थी। अम्मा, ये कैसी खुशी है आपकी, आपके बेटे ने टॉप किया है जनपद में? पोते ने टॉप किया, बहुत खुशी है। देखिए ये हमारे साथ फैमिली के लोग थे और ताऊ जी हैं हमारे साथ, इनके उनसे भी बात करेंगे। तो कैसी खुशी आप मतलब जाहिर हो रही है अभी फिलहाल में? बहुत ज़्यादा खुशी है और विशेष रूप से जो स्कूल के जो अध्यापक हैं और जो स्कूल है, यहाँ काफ़ी मेहनत होती है, जो बच्चे के लिए विशेष रूप से अलग से भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। और हमारी एक बच्चा तो ये है और एक इंटरमीडिएट में भी वंदना शर्मा जो है उन्होंने भी 5वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ उनकी बहन भी है। ये बताइए कि आपके भाई पास हुए हैं, तो आप लोगों को खुशी कैसी है, कितनी खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है हम लोगों को और हमें उम्मीद भी पूरी थी कि ये कुछ ना कुछ करेगा। देखिए ये थे जो गौतम नगर में 10th का टॉपर हैं अक्षत शर्मा, उनके सभी पेरेंट्स थे और टीचर थे। इनका साफ कहना है कि बच्चे ने जो मेहनत की है वो निकल के कहीं ना कहीं सामने आई है और जो बच्चा है वो आगे और भी इस तरह की जो तैयारियां हैं वो करता रहेगा। गेटोना से रविंद्र जयंत, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।